अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका एक YouTube चैनल है और उस चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हुए आपको एक साल या इससे भी ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है और आपका चैनल ग्रो नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आपके चैनल पर कोई मसला मौजूद है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो आज की वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके चैनल पर मौजूद वो मसला और उसका हल। मेरा नाम है उस्मान रशीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मान टीवी। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दिल पर पत्थर रखना होगा, आपको एक सख्त फैसला करना होगा, आपको एक तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। वो तकलीफ क्या है, मैं आपको अपने चैनल की एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ शुरू स्टार्ट में क्या होता था, मैं वीडियो बनाता था, एडिट करता था, अपलोड करता था, रात को मैं देखता था वीडियो के ऊपर 2, 4, 5, 10 व्यूज़ हैं, सुबह उठकर मैं इसको दोबारा चेक करूंगा कि इस व्यूज़ में कितना इजाफा होता है। लेकिन सुबह जब उठकर मैं देखता था तो वीडियो के व्यूज़ उतने ही हुआ करते थे। अच्छा, वो जो वीडियोज़ थी वो मेरी अपनी नहीं हुआ करती थी, मैं दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक कि यूट्यूब भी मौजूद है, वहाँ से वीडियोज़ मैं उठाता था, अपलोड करता था अपने चैनल के ऊपर, यानी डाउनलोड की, एडिट की और अपने चैनल पे अपलोड कर दी। उन वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कुछ आते थे, उसके बाद व्यूज़ आगे आना बंद हो जाते थे, फिर से व्यूज़ उन वीडियोस के ऊपर नहीं आते थे, यानी वो वीडियोस फ्रीज़ हो जाती थी। तो पहला मसला जो आपके साथ होता होगा, आपकी वीडियोस भी फ्रीज़ हो जाती होंगी, उसके बाद आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। सेकेंड, मैंने वीडियोज़ किसी और की उठाई हैं, तो यहाँ पर मेरे पास दो मसले हो सकते हैं। सबसे पहला मसला, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, दूसरा कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर स्ट्राइक आई तो चैनल मसले में पड़ जाएगा, यानी चैनल पर मसला हो जाएगा, चैनल डिलीट भी किया जा सकता है, ये टर्मिनेट हो सकता है। दूसरा मसला कॉपीराइट क्लेम का। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है कि आपने जिसकी वीडियोस उठाकर अपने चैनल पे अपलोड कर ली है, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ तो आ जाएंगे, आपकी वीडियोज़ वायरल भी हो सकती है, उसकी बेस पर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं और रेवेन्यू भी आपके चैनल के ऊपर अच्छा खासा आ सकता है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से वो सारा का सारा पैसा उस कॉपीराइट ओनर के पास चला जाएगा, उस कॉपीराइट आईडी के पास चला जाएगा जहां से आपको क्लेम आया था, यानी वीडियो उसकी आपके चैनल पर बस वो मौजूद है, आपके चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, आपके चैनल पर ही लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन पैसा सारा का सारा उसके पास जाएगा। अगर आप ये काम कर रहे हो तो इस काम से बाज आ जाएं, इन चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आगे जो आपने तकलीफ बर्दाश्त करनी है वो क्या है, अगर आप अपनी वीडियोस बनाते हो, यानी आप खुद कैमरे में आकर अपनी वीडियोस बनाते हो, तो वो वीडियो अगर आपकी कामयाब नहीं हो रही तो अब आपने क्या करना है, वही मैं आपको तकलीफ, वही मैं आपको मसले का हल बताने जा रहा हूँ। वो मसले का हल एक ही है कि अब आपको अपने उस टॉपिक को तब्दील करना होगा। जैसे मैंने अपने टॉपिक को तब्दील किया था, वीडियोस बनाने के अंदाज को तब्दील किया था, वीडियो एडिट करना तब्दील किया था और वीडियो अपलोड करना तब्दील किया था, यही काम आपने करना है। अब आपने वीडियो का टॉपिक तब्दील कर अपने चैनल पर पहले आपने एक्सपेरिमेंट करना है। मिसाल है कि आप पहले कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हो या बनाते हो, उन वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, अब आपने अपना टॉपिक तब्दील करना है, तो टॉपिक क्या तब्दील करोगे जिससे आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं, आपके वो व्यूज़ ना जाएं, आपके वो सब्सक्राइबर आपकी अगली वीडियोस भी देखना शुरू करें, तो वो मैं आपको मसले का हल बता देता हूँ। जैसा कि आपकी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ तो नहीं आ रहे, अब आपने अपना टॉपिक तब्दील करना है, तो टॉपिक आप इसी नीश के अंदर रहते हुए ही आप तब्दील करोगे, यानी आप पहले कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हो, अब आप फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाओगी। क्यों? क्योंकि पहले जो वीडियोस आपकी हैं उन वीडियोस को देखने वाली ख्वातीन हैं, बहुत कम मर्द हजरात होंगे। तो अब जब आप फैशन पे या ब्यूटी पे आप तब्दील करोगे अपना टॉपिक, तो वही सब्सक्राइबर आपकी उन वीडियोस को देखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप तजर्बा करके देख लें, अगर आपको उसमें कामयाबी मिल जाती है तो आप उस कुकिंग की वीडियोस को ख़त्म कर सकती हो। कैसे? आपने वीडियोस जो पहले बनाई हैं उन वीडियोस के ऊपर जितने भी व्यूज़ आ गए, जितने भी सब्सक्राइबर आ गए, आपने अपना टॉपिक तब्दील कर लिया और एक नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर आपने अपलोड कर दी। अब यहाँ से आपने ये नहीं करना कि रेगुलर यही वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दो। आपने पहले एक वीडियो अपलोड की, अब आपने देखना है कि इस वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं। अगर तो पहले जितने व्यूज़ आते हैं तो अब आप कामयाब होने वाले हो। क्यों? क्योंकि उन सब्सक्राइबर को आपका नया टॉपिक पसंद आ गया। लेकिन अगर
आपकी वीडियोस के व्यूज नीचे गिर जाते हैं, यानी बिल्कुल ही व्यूज नहीं आते, या आते हैं तो 5-10 व्यूज आते हैं, तो अब आपने अपने पिछले ही टॉपिक के ऊपर फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर देनी है, क्योंकि आपका नया टॉपिक काम नहीं कर रहा। ये एक एक्सपेरिमेंट आपने खुद करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ही आप कामयाब होते हो। मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, मैंने मिक्स कंटेंट अपने चैनल के ऊपर डाला, उसके बाद मैंने रेगुलर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब ऐसा ऐसा मेरे चैनल के ऊपर व्यूज आना शुरू हुए, ऐसा ऐसा सब्सक्राइबर आना शुरू हो गए, और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। बिना किसी फेक तरीके से सब्सक्राइबर लिए, वॉच टाइम लिए, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग मैसेज करके ये पूछते हैं कि आपने अपना चैनल मोनेटाइज कैसे किया। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा चैनल पिछले 2 सालों से मैं इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, 2 साल पुराना मेरा चैनल है। मैं पहले चैनल के ऊपर जो मिक्स वीडियोस डाला करता था, अब मेरे चैनल के ऊपर आपको वो वीडियोस नज़र नहीं आएंगी। क्यों? मैंने वो सख्त फैसला लिया था कि मैं उन वीडियोस को अपने चैनल से हटा दूंगा जो कि मेरा चैनल गंदा कर सकती हैं, जिससे मुझे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप में से भी कोई इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है, तो आपने भी अपने चैनल से उन वीडियोस को हटा देना है। हालांकि बहुत सी वीडियोस हटाते हुए मुझे तकलीफ का भी सामना था, क्योंकि मेरे चैनल का बहुत सा वॉच टाइम उन वीडियोस की बेस के ऊपर ही कंप्लीट हुआ था। उन वीडियोस के ऊपर हजारों में व्यूज भी थे, फिर भी मैं उन वीडियोस को अपने चैनल से हटा चुका हूँ। ये सख्त फैसला मैंने लिया था, आज आपने भी ये सख्त फैसला लेना है। इसी की वजह से आपका चैनल ग्रो करेगा। अब आपने अपना टॉपिक तब्दील करना है, तो पहले आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करके देख लो। जैसा कि मैंने कुकिंग से रिलेटेड आपको बता दिया कि आप अपने उन्हीं सब्सक्राइबर को और टॉपिक की वीडियोस दिखाकर उन पे व्यूज ले सकते हो, क्योंकि वो मिलता जुलता टॉपिक है, कुकिंग से रिलेटेड है, तो उन्हीं सब्सक्राइबर के लिए ब्यूटी का और फैशन का टॉपिक भी काम कर सकता है। इसी तरह से स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आपका चैनल है, तो किसी एक स्पोर्ट्स के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, तो उसकी जगह पर किसी और स्पोर्ट को ट्राई करके देखो। स्पोर्ट्स तो सारे ही लोग कोई ना कोई देख ही लेते हैं, तो आप उसको तब्दील करके देखो। हो सकता है कि क्रिकेट से रिलेटेड आपका चैनल था पहले, वो नहीं चला, तो रेसलिंग के ऊपर बात करके देखो, हो सकता है वही चल जाए। इसी तरह से मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस डालकर इन्हीं सब्सक्राइबर को वो वीडियोस भी दिखा सकता हूँ। जैसा कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, अब मैं इनको तब्दील करके यहाँ पर किसी वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हो वो भी बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर किसी ऐप से अर्निंग आप कैसे कर सकते हो वो भी बता सकता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी नेटवर्क्स यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जा सकती हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का एक ही मकसद है, पैसा कमाना। वो यूट्यूब से हो, वो फेसबुक से हो, वो इंस्टाग्राम से हो, मेहनत करके वीडियोस बनाकर अपलोड करके आपका एक मकसद है पैसा कमाना, तो वो किसी भी तरह का टॉपिक देखने के लिए तैयार होंगे। इस तरह आपने देखना है कि आपके टॉपिक के अंदर कौन सा ऐसा स्पेसिफिक जगह है जहां से आप वीडियोस बनाकर उन सब्सक्राइबर को अपनी वीडियोस दिखा सकते हो, वो आपकी वीडियो को व्यू कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आपके मसले का हल। अब आपने अपने चैनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।